जहांगीराबाद के गांव चिरचई में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते बिजली के करंट की चपेट में आने से एक भैंसे की मौत हो गई और वहीं एक महिला भी करंट की चपेट में आने से घायल हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बिजली करंट से कौन चपेट में आया है? मेरी मम्मी आई है। अच्छा, कैसे आई? वो पकड़ रही है, वो हाथ में होगा जेवड़ा जो भी है जैसे भी है, वो तो भैंसा तो खत्म ही हो गया। अच्छा, उसके बाद में फिर पड़ी रही आराम से वहाँ पे। उनकी 2 घंटे 2-2.5 घंटे खुदाई करी है यहाँ पे इसी खेत में ही। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम उनका? भागवती। भागवती, आपका क्या नाम है? उदयवीर। उदयवीर, आपने शिकायत करी किसी अधिकारी से? मैंने किसी से नहीं करी, मैं हॉस्पिटल लेके गया हूँ मम्मी को खाली, बस उन्होंने बुलेंसर ही रेफर कर दिया उन्हें। अभी लेके जाऊँगा, 108 नंबर पर कॉल कर लो, बुलेंसर ले जाओ उन्हें। अच्छा, हाँ जी। किसकी वजह से घटना घटी है? ये लाइट की यही जो भी है, तार टूट रहा है 2-3 दिन से, मुझे तो पता ना, 2-3 दिन से तार टूटा पड़ा है। 3 दिन पहले तार टूटा तो है। बिजली विभाग का कर्मचारी कोई नहीं आया तार जोड़ने? कोई नहीं आया। 3 दिन से कोई नहीं आया। ये आपके यहाँ? हम सुबह धान के पूरा भरने के लिए आए तो यहाँ पर तार टूटा हुआ था और 3 दिन पहले से ये तार टूटा हुआ है। बिजली विभाग में भी कंप्लेंट की लेकिन कोई नहीं आया तार को जोड़ने के लिए। हमारा भैंसा मर गया। भैंसे बगैर तार? भैंस पहले से तार टूटा हुआ था, 3 दिन पहले से तार टूटा हुआ था। बिजली बिजली विभाग में हमने कंप्लेंट भी की। अच्छा, लेकिन कोई जोड़ने के लिए नहीं आया, कोई नहीं आया। आपका कहना है बिजली विभाग की लापरवाही से आपका भैंसे की जान गई है? जी। एक लेडीज भी है इसमें? लेडीज भी, लेडीज की भी लगी है। अच्छा, क्या नाम उनका? भागवती। भागवती, वो भी साथी साथी उन्होंने। हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर में CMN न्यूज की खबर का वो असर, खबर चलते ही परिवहन विभाग में हड़बड़ाहट दिखाई दी। इस समय हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे फ्लाईओवर के नीचे, जहां एक यहां देखने को मिलता था, लेकिन हमारे CNM चैनल ने इसे प्रमुखता से दिखाते हुए जब इसको दिखाया तो प्रशासनिक अमले की आंखें खुल गई। तभी परिवहन विभाग अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचा और अपनी टीम के साथ पहुँचने के बाद यहाँ छापेमारी कर 12 वाहनों को सीज किया। उसी के दौरान डक्कामारी को देखते हुए बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 15 वाहनों को सीज किया, जिससे दिखाई दिया कि CNM के चैनल की जैसे ही खबर को देखा तो प्रशासन की हवा उड़ गई। देवरिया जनपद के ग्राम पचलड़ी में बीती रात मूर्ति विसर्जन करने के बाद एक युवक पचलड़ी चौराहे पर दुकान के पीछे शौच करने गया। शौच करते वक्त युवक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गया, जिसमें डूबने से युवक की मौत हो गई। क्या घटना हुई आपके गांव में? हमारे गांव में कल धज्जूपाल ग्राम पचलड़ी मूर्ति विसर्जन करने गया था और शाम को शायद आते वक्त उसको लघुशंका लगी, जिससे पैर फिसलने से शायद उसकी मौत हो गई है। सुबह को लाश को तैरती हुई देखा गया है। कहाँ पे? चौराहे पे? मेन चौराहे पर, 5 रुपये गुमती पीछे। धज्जू कितने बच्चे हैं? धज्जू के 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। परिवार के इकलौता क्या करते थे धज्जूपाल? धज्जूपाल कुछ नहीं करते थे, वही इधर घूमते थे और कुछ करते नहीं थे। ऑटो ड्राइवर थे क्या? पहले थे, अब उनका ऑटो घीच के चला गया था घूमने भरने के कारण। खबरों में बात करते हैं अमरोहा के ग्राम डूगरपुरी की, जहां प्रधान पुत्र को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने अंकुर की हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। अभी फिलहाल शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अमरोहा जनपद के हसनपुर थाना क्षेत्र में आज एक गाँव में एक 16 वर्षीय छात्र की डेड बॉडी मिली है। उसके बाईं तरफ से गोली कनपटी में घुसी है और दाहिनी तरफ से निकल गई है। मौके पर वो दीवार के सहारे बैठा हुआ है, तमंचा उसके पास ही मिला है, उसके जेब से एक 315 बोर का कारतूस भी मिला है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि रात को सोने के लिए गया था। इन लोगों ने ज़्यादा खोजबीन इसलिए नहीं की कि घर और घेर दोनों में बताते हैं कहीं भी सो जाता था, तो इसलिए रात को खोजबीन नहीं की, सवेरे इसकी डेड बॉडी मिली। अब इसकी जांच की जाएगी, इसके बाद ही कहना
संभव है कि क्या मामला है। बहराइच में एक प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर देवेश ने बताया कि आयुर्वेद संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है जिससे पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाए रखने के साथ साथ शारीरिक व मानसिक रोगों को जड़ से ठीक किया जा सकता है। मेरठ के प्रतापपुर के शताब्दी नगर सेक्टर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दिन निकलते ही बाइक सवार दो बदमाशों ने शताब्दी नगर के बासु ऑटोमोबाइल के निकट हेप्टा केयर कंपनी के लैब इंजीनियर व रिठानी निवासी आकाश कुमार का मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया है। क्या नाम है आपका और थाने किस मामले को लेकर आए हो आप? जी, मेरा नाम दालचंद है। मैं मोबाइल चोरी की विषय में रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। क्या हुआ? मेरा मोबाइल जब मैं बंसल चौक की तरफ से रिठानी की तरफ आ रहा था तो बंसल चौक से करीब 200 मीटर दिल्ली रोड की तरफ पीछे से दो बाइक सवार आए और मेरा मोबाइल छीन के निकल गए। बाइक कौन सी थी? पल्सर। कब की घटना है? एक 9-10-9 तारीख की। क्या नाम है आपका और थाने किस मामले को लेकर आए हो? सर, मेरा नाम आकाश कुमार बंसल है। मैं रिठानी ग्राम का रहने वाला हूँ। कल शाम 7:40 पे मेरे साथ लूट हुई। वासु मोटर के बराबर में सड़क जा रही है, डबल रोड पंचवटी वाली, उस पर दो अज्ञात लोग मेरा फोन छीन के भाग गए हाथ में। पहचान की गई है उनकी? कुछ अज्ञात में थे, पहचान नहीं कर पाया। कुछ और स्प्लेंडर बाइक थी, बस ये पहचान कर पाया। दो लड़के थे। ठीक।